जो इस चैनल पर पहले बात नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी से सारी आप तक पहुंच सके दोस्तों दोस्तों तो हम देना करते हैं कि आप को क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है और साथ में आप लोग लो भी भी जस्ट बताएंगे दोस्तों ठीक है तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो की आगे और हम चलते हैं देख सकते दोस्तों सबसे पहले इसमें पद दिया गया है जो टोटल मतलब दोस्तों क्या है क्या दिया गया क्या आप लोग को जो जो पे स्केल मिलेगा दोस्तों कितना कितना के बीच में मिलेगा सबसे पहले बात दोस्तों आप लोग को जो इक्कीस हजार सात सौ लेकर सिक्सटी नाइन थाउजेंड वन सौ रुपया मिलेगा जी हाँ दोस्तों मतलब इक्कीस हजार सात सौ लेकर सिक्सटी नाइन हजार रुपये तक मिलेगा दोस्तों ठीक है सबसे पहली बात और जो इस पद पर जो टोटल वैकेंसीज है दोस्तों जी हाँ दोस्तों इस पर टोटल वैकेंसी कितना है दोस्तों ज़्यादा नहीं है दोस्तों फिफ्टी टू है कितनी है फिफ्टी टू देख सकते हैं आप लोग को जो इसमें वैकेंसी बता बताया जा रहा है दोस्तों

अब इसमें बात करते हैं नीचे दोस्तों कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा जो वैकेंसी स्टार्ट कब से हो रही दोस्तों। है दोस्तों ठीक है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिख दिया है कि जो ओबीसी के लिए है वह रिजर्व नहीं किया गया ओ बी कैंडिडेट के लिए ठीक है तो वहाँ पर हम बता दें दोस्तों कि यहाँ फिर ओ बी इसलिए नहीं दिया गया था अब नीचे चलते हैं अब एलिबिटी कंडीशन जी दोस्तों अब देखिए एलिबिटी आपको क्या क्या मांगा जाए जो एज लिमिट है दोस्तों वहाँ अठारह कितना पच्चीस मांगा जा रहा है ज़्यादा नहीं सबका ईयर मांगा जा रहा है अठारह के बीच में रहना चाहिए ठीक है आगे क्या बोलते है? हैं ए सी एसटेक्साइज ठीक है एक्सी एसी एस्टेक्साइज सबके लिए दोस्तों सबके लिए क्या है एज है पच्चीस से 28 से पच्चीस मांगा जा रहा है अठारह से पच्चीस दोस्तों अब नीचे बोल रहा है कि एज किसके किसके बीच में होना चाहिए तो सत्ताईस सेप्टेम्बर से दो हज़ार बाईस से मतलब सत्ताईस नौ दो हजार बाईस से कितना सत्ताईस सेप्टेम्बर मतलब सत्ताईस नौ हजार चार के बीच में होना चाहिए सत्ताईस नौ दो हजार चार से लेकर सत्ताईस नौ दो हजार बाईस के बीच में आपका एज होना चाहिए जी हाँ दोस्तों अब नीचे बात करते हैं क्वालिफिकेशन देख सकते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है और क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है मिनिमम एजुकेशन एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्टिकुलेशन ऑफ इलेवेंट ऑफ रिगोनाइट बोर्ड मतलब आपका टेंथ पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से जो हाँ दोस्तों आपका कम से कम टेंथ पास होना चाहिए अब चलते हैं नीचे दोस्तों अब नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बात किया गया है आप लोग का जो इसमें आप कहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रिकॉयरमेंट आई टी बी पी पुलिस डॉट आई एन आई सी डॉट इन से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यह फॉर्म आई टी बी पी पी एफ द्वारा जारी किया गया है जी दोस्तों अब पहले आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों क्या जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका प्रोसेस किस आधार पर लिया जाएगा तो सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी होगा यानी पी ई एस टी टेस्ट होगा फिजिकल इफेसियसी टेस्ट उसके बाद पी एस टी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जी हाँ दोस्तों उसके बाद पी एस टी होगा उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों उसके बाद बाद टेस्ट होने के आपका डॉक्यूमेंट्स होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा दोस्तों इस पोस्ट पर आप लोग का क्या होगा सिलेक्शन होगा अब नीचे दोस्तों इसका वैकेंसी स्टार्ट आखिर कब से हो रही है देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन अप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मूड भी ओपन उन्तीस अगस्त जी हाँ दोस्तों कितना तरह से उनतीस अगस्त दो से स्टार्ट हो रही है ठीक है सत्ताईस सितेम्बर दो हजार बाईस तक लास्ट है दोस्तों कब ग्यारह बजकर फिफ्टी नाइन पी तक दोस्तों तो इस फॉर्म को भरने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं दोस्तों कि क्या क्या आप आपको को जरूरत है तो इस फॉर्म में जो भी भरने लगा होंगे दोस्तों फॉर्म को फिलअप करेंगे क्योंकि पोस्ट कम है दोस्तों और साथ में अच्छा पोस्ट है शायद इसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाए दोस्तों ठीक है तो इस पोस्ट में, में जो नए होंगे इस इस वीडियो में जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि गवर्नमेंट वेब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जय हिंद दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में